नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन। और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो मैंने पीछे के वीडियो में दिखाए थे इस कैरेक्टर को हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसके जो बॉडी पार्ट जो बचे हुए हैं उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चैनल दिखा रहा हूँ जिसका नाम है हिंदी कहानियां। इस पे मैं दोस्तों कार्टून बनाता हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक जीन और चालाक किसान करके एक कार्टून बनाया हूँ और इससे पहले भी मैंने 4-5 कार्टून बना चुका हूँ। तो दोस्तों इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे मेरा ये चैनल जो है जल्दी ग्रो हो सके। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो इसके जो लिप्स है उसके ऊपर एक लाइन दिया हुआ है वो रह गया था पीछे के वीडियो में, तो उसको मैं ड्रॉ करूंगा अभी। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस बॉडी इस लेयर के अंदर जाते हैं। इस लेयर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। पी प्रेस करते हैं और एक यहाँ से लेयर क्रिएट करेंगे। इस टाइप से हो गया ये, और इसमें हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ला के रखेंगे। इसमें हम जो है सेम कलर फिल करेंगे जो ये कलर है इस टाइप से। और एक जो है इसके साइड में आप देख सकते हैं वाइट है, तो वाइट को भी हम इसी से फिल करेंगे। यहां से इसको आउटलाइन को मैं यहां से हटाता हूं और एक मैं क्या करता हूं इसको डुप्लीकेट करता हूं। इसको मैं क्या करता हूं डुप्लीकेट करता हूं यहां पर, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं ब्लैक, और इसको हम करेंगे इसके ऊपर यहां पर, और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं। और इस बार हम इसको करेंगे व्हाइट, और इसको हम रखेंगे यहां पर। इस टाइप से इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। यह हमारा क्रिएट हो गया, इसको हम रखेंगे यहां पर इस टाइप से। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं या इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं यहां पर। इस टाइप से यह हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसके जो बॉडी पार्ट बच रहे हैं इसको हम क्रिएट करेंगे। इसमें से हम सिर्फ एक को क्रिएट करेंगे और उसी से हम इस सबको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ एक लेयर यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ इसके शेप को और राउंड शेप करेंगे। यहाँ से मैं लेता हूँ एक सर्कल और यहाँ से मैं करूँगा ड्रॉ। इसके फील को हम हटाते हैं अभी। स्टेप से ये हो गया। अब यहां से देखिए एक ग्रीन कलर यहां से है, तो हम यहां से एक ग्रीन कलर को क्रिएट करेंगे। पी प्रेस करते हैं इस टाइप से, हमने क्रिएट कर दिए। और इस पार्ट को हम ग्रीन करेंगे और इसको येलो करेंगे। और एक देखिए यहां से एक क्रिएट किया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे एक यहां पे पी प्रेस करते हैं और यहां से इस टाइप से हमने इसको क्रिएट किया। हम इसमें कलर फिल करते हैं, सेम कलर फिल करेंगे। तो यहां से ये जो है इस ग्रीन को फिल करेंगे, ये डार्क ग्रीन, और इसमें हम लाइट येलो फिल करेंगे और नीचे वाले में डार्क येलो। और उसके बाद हम क्या करेंगे इसके जो बाहर का आउटलाइन है उसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। इस टाइप से हमारा ये क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसको हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल अल्ट प्रेस करके यहां पे लाते हैं और F8 करके हम सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। और इसको हम करते हैं नीचे, इसको हम सभी लेयर के नीचे रखेंगे यहां पर। और इसको हम क्या करेंगे रोटेट करते जाएंगे। अभी एक जो है
एक हमने यहाँ पे बनाया, फिर से इसको हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं और F8 करके सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी हम करेंगे इसके नीचे और रोटेट करते हैं। इसमें हमसे ये आउटलाइन को भी डिलीट करना पड़ेगा जिस टाइप से ये सभी में क्रिएट किया गया, तो हम इसके अंदर जाते हैं और इसको आउटलाइन को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। इस टाइप से हो गया। अब मैं इसमें से एक में डिलीट कर देता हूं जो कि हम बार बार डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको कंट्रोल अल्ट प्रेस करके कॉपी कर लेते हैं और F8 करके सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको हम नीचे ले जाते हैं। हमने इस टाइप से जो है इसको पूरा क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो हाथ हैं उसको क्रिएट करेंगे और इसका जो पैर है इसको हम क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और पहले हम हाथ को क्रिएट करेंगे, पी प्रेस करते हैं। इस टाइप से हो गया। इसका कलर जो है ये फील करते हैं इसमें, और इसमें भी फील करते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम डार्क कलर कर देते हैं। और इसके आउटलाइन को मैं डिलीट कर देता हूं। और इसको मैं सिंबल में कन्वर्ट कर देता हूं। इसको साइड रखते हैं। उसके बाद अब की बार हम इसको क्रिएट करेंगे तो पी प्रेस करते हैं, यहां से एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। इसमें भी सेम कलर फिल करेंगे जो कलर ये है, और इसका कलर जो है ये कलर। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम इसके आउटलाइन को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और इसको F8 करके सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। इस टाइप से हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम यहां पे क्रिएट करना, तो इसको हम यहां से कॉपी करते हैं और इसको मैं इस तरफ कर देता हूं। ये हमारा क्रिएट हो गया है इस टाइप से। और इसके हाथ देखिए, इसका अंगूठा जो है इस तरफ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस टाइप से रोटेट कर दिए और इसको मैं रखता हूं यहां पर, और इसको भी रोटेट करना है तो इस टाइप से। अब जो है हम इसको यहां पे रखते हैं और जो ये हाथ है इस हाथ के लेयर को हम क्या करेंगे, नीचे की ओर ले जाएंगे, यहां से कट करते हैं और एक नीचे लेयर बनाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ गया इस टाइप से। अब हम इसके पैर को एक क्रिएट करेंगे और उसी को मैं डुप्लीकेट करके क्रिएट कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, पी प्रेस करें
इसमें भी हम कलर फिल करते हैं सेम, यहां से डार्क कलर और एक लाइट कलर इसमें फिल करना है, तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा लाइट कलर इस टाइप से, और इसमें हम आउटलाइन को डिलीट करते हैं और इसमें भी हम सेम कलर ये फिल करेंगे। इस टाइप से हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूं यहां पर एक, यहां पर इसको मैं यहां से छोटा कर लेता हूं, रोटेट कर लेता हूं थोड़ा सा, और एक यहां पर, एक यहां पर, और एक पीछे की ओर भी रहेगा यहां पर, और सभी को हम सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो है यहां पे रखते हैं और इसको मैं रखता हूं यहां से कट करते हैं और सबसे नीचे लेयर पे रखते हैं, ये सबसे नीचे हमारा हो गया, और एक मैं यहां पे रखता हूं, और एक यहां पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है हमारा क्रिएट हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारा क्रिएट हो गया है। तो ये था दोस्तों, कोई भी जो है छोटे जो कैरेक्टर होते हैं इंसेक्ट टाइप से, उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम आगे के वीडियो में देखेंगे इसको हम एनिमेशन कैसे करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।